मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे जिन पांच राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जो तीन और राज्य बचे हैं, वहाँ भी कांग्रेस जो है बेहतर स्थिति में, और कांग्रेस भाजपा का एक मजबूत विकल्प बनके इन राज्यों में उभरी है। इन पांच राज्यों में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है, और मैं तो मध्य प्रदेश का पर्यवेक्षक भी रहा हूँ और काफ़ी क्षेत्रों में मैंने दौरा किया है। मैंने देखा है कि मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर है, लोग जो है कांग्रेस को वापस लाना चाहते हैं। हालांकि वहाँ कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन आप जानते हैं कि किस तरह से वहाँ परिस्थितियाँ बनी। कांग्रेस में दल बदल जो है किया गया और उसके बाद भाजपा की सरकार बनी, लेकिन इस बार परिस्थितियाँ जो है बिल्कुल भाजपा के प्रतिकूल हैं। और दूसरे जो राज्य हैं, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस सरकार की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस जो है अपनी सरकार बनाने जा रही है। लोकसभा में आपने देखा होगा कि जिस तरह से जितने भी विपक्षी दल हैं वो सारे इकट्ठे हुए हैं, एक इंडिया नाम का गठबंधन बना है, और जब से ये गठबंधन बना है तब से भाजपा के जो लोग हैं, जो केंद्र में सरकार में बैठे लोग हैं, उनकी नींद हराम है। और किस तरह से जो है जो इंडिया के जो दल हैं उनको, उनके नेताओं को दबाने का प्रयास हो रहा है। और अभी ताज़ा प्रमाण जो है, जिस तरह से जो आपके नेता हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, पहले शिवसेना के नेता हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई, तो ईडी और दूसरे जो जो प्रतिष्ठान है उनको जो है उनका दुरुपयोग जो है किया जा रहा है। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।